हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम यहां पर फिर बात करेंगे उसी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के क्रिएशन की जिसमें हमने एक हिस्से पर बात की थी पिछले दिन, और हमने आपको बताया था कि किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमने जो बात की थी यहाँ पर, जो हमने आपको बताया कि यस नो क्वेश्चन की पहचान क्या है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ यस और नो होता है, इसको फिर मैंने बताया कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो हिंदी में इसके पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, और इंग्लिश में इसको पहचानने का मैंने मेथड आपको बताया कि अगर आपकी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, या फिर बोलचाल के दौरान नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन है इसमें जिस पर हम विशेष बात करेंगे आगे, लेकिन नॉर्मली अगर वहां पर हेल्पर शुरू में रखा गया है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है और बोलचाल के दौरान अगर एक्सप्रेशन इंटरोगेशन का है, तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपको जो पूछा गया सवाल है वो यस और नो कैटेगरी का है। चलिए हम इस पर अब आज बात करेंगे इंटरोगेटिव के दूसरे हिस्से की। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो दूसरा मेरा बचा हुआ हिस्सा था वो था WH question। सबसे पहले तो हम इसको पहचानने का तरीका बताएंगे कि सर इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्सेप्ट यस और नो। जी हां, एक्सेप्ट यस और नो, यानी कि इसका आंसर एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल्ड में आता है। इसका आंसर हां या ना को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। जी हां, जैसे राम क्या पढ़ता है, तो राम साइंस पढ़ता है। राम कहां जा रहा है, तो राम मुंबई जा रहा है। कहने का मतलब है कि इसका जवाब कभी भी हां या ना में नहीं दिया जा सकता है। मतलब यह है कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे हां या ना को छोड़कर डिटेल में देना पड़ता है, वो आपका यस नो क्वेश्चन नहीं, WH क्वेश्चन कहलाता है। जी हां, अब देखिए कि इसकी पहचान क्या है कि हिंदी में इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और इंग्लिश में इसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। अब ये WH वर्ड क्या है, तो जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिससे कि हम इंटरोगेशन के लिए यूज करते हैं, जितने भी प्रश्न को इंडिकेट करने वाले शब्द हैं, आप अगर गौर करेंगे तो उन सारे शब्दों में W और H कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जैसे what में WH है, when में WH है, how में देखिए कि S शुरू में है और W लास्ट में है, तो इसे हम इसीलिए WH ग्रुप का वर्ड कहते हैं, और ये हमेशा जो है क्वेश्चन के लिए यूज होता है। अब किसी किसी जगह पर, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के केस में आप यहां पर देखिए कि हु है, हु जब इंटरोगेशन में यूज होता है तो उसका मतलब होता है कौन, लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वो रिलेशन में होता है। प्रोनाउन के सेशन में इस पर हम विशेष बात करेंगे। तो यहां पर देखा जाए कि जो मैंने यहां पर सबसे पहले पहचान का तरीका बताया कि WH इंटरोगेशन का मतलब है कि इसमें WH वर्ड की मौजूदगी होगी, पहला। इसका जवाब हाँ या ना को छोड़कर डिटेल में आएगा, हाँ या ना इसका जवाब नहीं होगा। हिंदी में इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी नॉर्मली, और इंग्लिश में इसकी शुरुआत WH वर्ड से होगी। चलिए अब यहां पर इसे हम बनाए कैसे और कैसे सॉल्व करें, तो देखा जाए, मान लीजिए कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया है कि राम कहां जा रहा है। चलिए हम इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इसके किसी भी WH सेंटेंस के नेचर को देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है कि भैया हर जगह पर रूल रटने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इस धरती पर सबसे ज्यादा शार्प और समझदारी वाली बुद्धि इंसान को दी है, और मैं समझता हूं कि बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना कोई भी काम करना खुद को बेवकूफ बनाने जैसा है। जी हाँ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, रखने से भाई इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहां देखा जाए कि अगर कह रहा है कि राम कहां जा रहा है, मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं कि वेयर इज राम गोइंग। ये सेंटेंस हमने मान लिया कि इंग्लिश में बना लिया। अब जरा इसके नेचर को ऑब्जर्व करिए, बुद्धि लगाइए अपनी। तो बुद्धि लगाते हैं अगर आप, तो बुद्धि लगाने के दौरान आप देखिए कि अगर आप इसको छोड़ दें तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें जो ये WH वर्ड है ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा ये आपका यस नो क्वेश्चन दिख रहा है,
या नहीं दिख रहा है? देखिए, दिख रहा है आपको? आसानी से यहां पर दिख रहा होगा कि ये यस नो क्वेश्चन है, मतलब इज राम गोइंग, क्या राम जा रहा है? तो मतलब यह है कि यहीं पर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके हम यस नो फॉर्म में पहले उसको चेंज करेंगे, और जिस डब्ल्यू एच वर्ड से, जिस इंटरोगेटिव वर्ड से हमें वो सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है, हम आराम से उस डब्ल्यू एच वर्ड को उसकी शुरुआत में रख देंगे। दैट मीन्स कि फॉलो द रूल ऑफ यस नो। अगर आपको डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? फॉलो द रूल ऑफ यस नो, मतलब सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए, वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐड करी। ये सबसे पहली बात हो गई। अब इसका दूसरा स्टेप है कि पुट द गिवन इंटरोगेटिव वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, अब जो दिया हुआ आपका इंटरोगेटिव वर्ड है उसको आप सेंटेंस के शुरुआत में रख दीजिए। देखिए, मैं इसे स्टेप वाइज आपको समझा देता हूं। चलिए, इस एग्जांपल से मुझे यह समझ में तो आ गया कि भैया यस नो और डब्ल्यू एच में कोई खासा अंतर नहीं है। Yes, no में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में होता है, और अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड बनाते हैं उसी सेंटेंस कैटेगरी का, उसी ग्रुप का, उसी टेंस का बनाएं, तो सिर्फ उस सेंटेंस के शुरुआत में मुझे डब्ल्यू एच वर्ड रखना होता है। और अगर हम वहां पर डब्ल्यू एच वर्ड रखने में सफल हो जाते हैं, और अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड रख देते हैं सही सही, जो वर्ड वहां पर उचित बैठता है, तो मेरा वो सेंटेंस जो यस नो था वो डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सेंटेंस से ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब यहां पर एक हिंदी का सेंटेंस है, हम इसे कैसे कन्वर्ट करें, इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता देता हूं। फिर उसके बाद आप 20 25 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अपने मन में घुमाइए। मैंने पहले भी कहा है, शुरुआती तौर पर भी मैंने आपको यह मना किया कि बंधु लिख करके मत बनाइए, सोच करके बनाइए, सेंटेंस को देखिए, समझिए और क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क्या लग रहा है, उसको समझिए। क्योंकि सर यहां पर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपको फास्ट होने की जरूरत है। अगर आपकी रफ्तार अच्छी नहीं हुई आपका ज्ञान बेकार है। सर, आज के इस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के दौर में स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सर, इस पर शुरू से ही ध्यान रखिए। तो यहां देखा जाए कि यहां जो ये कहां शब्द है ये एक्स्ट्रा है। जी हां, ये जो यहां पर कहां शब्द है, चलिए इसको फिलहाल अभी हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास जो सेंटेंस बचा इसमें से निकला हुआ वो क्या बचा? राम जा रहा है। चलिए, अब हम कहां को छोड़ चुके हैं और हम ओरिजिनल सेंटेंस पर पहुंच गए हैं कि राम जा रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि जब राम जा रहा है वाला सेंटेंस है तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? राम इज गोइंग। जी हां, अब यहां पर ये राम इज गोइंग में चेंज हो गया। अब यहां जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेंटेंस इंटू डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, दो स्टेप मैंने बताए कि नॉर्मल सेंटेंस को पहले यस नो में कन्वर्ट कर लीजिए और उस यस नो कन्वर्टेड सेंटेंस के पहले दिया हुआ डब्ल्यू एच वर्ड रख दीजिए। तो अब यहां पर देखा जाए कि अगर दिया हुआ है कि राम इज गोइंग, तो इसको जब हम यस नो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज राम गोइंग। और साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐड करेंगे। अब जब इतना आ गया तो फिर हम यहां पर दिया गया जो मेरा वर्ड है उसको हम ध्यान में रखेंगे और क्या करेंगे? सीधा सीधा फाइनल जो हम बनाएंगे वो बनेगा वेयर इज राम गोइंग। जी हां, तो इस सेंटेंस का जो फाइनल कन्वर्जन है वो डब्ल्यू एच का, वो ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया कि आप इसको समझ लो कि इस तरीके से ये बनता है। सर, बार बार आप कितने स्ट्रक्चर्स रटेंगे? तो सबसे पहले आपके मन में आया कि आपको मान लो किसी से पूछना है, ठीक है, कि तुमने क्या देखा था। ठीक है, तुमने क्या देखा था आपके मन में है, ये आपके बोलचाल के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपको इसे समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके मन में आया कि तुमने क्या देखा था, अगर ये सवाल पूछा गया तो उसमें से हम क्या को भूल करके सबसे पहले जो सेंटेंस दिमाग में सोचेंगे, तुमने देखा था, तो क्या बनाएंगे? यू हैड सीन। जी हाँ, परफेक्ट एक्शन है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं यू हैड सीन, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं यू सॉ। हम इस पर भी विशेष बात करेंगे कि किस परिस्थिति में हम सेंटेंस को अकेला रखते हैं, मतलब भी टू में रखते हैं। पास्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर कहीं पर मैंने देखा है, वह गया, ही वेंट, वह कल गया, ही वेंट यस्टरडे, कोई कहते हैं कि नहीं ही हैड गॉन यस्टरडे। तो इस पर भी डिस्कशन करने के लिए हम एक सेशन जरूर रखेंगे। फिलहाल हम यहां पर इसको परफेक्ट ही मानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्या आया कि तुमने देखा था, यू हैड सीन। अब यहां पर है कि हम इसको यस नो में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैड यू सीन। अब मेरा सवाल था कि तुमने क्या देखा था, तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैड यू सीन।
तो इस तरीके से अगर आप अपने मन में दोहराते हैं तो आप बिना रूल को रटे हुए, बिना कुछ किए हुए आसानी से किसी भी सेंटेंस को WH में, मन चाहे WH में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कैसे करके सवाल पूछना है, तुम इसे कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो पहले तुम इसे कर रहे हो, यू आर डूइंग इट, ठीक है? आर यू डूइंग इट, हाउ आर यू डूइंग इट? तो ये सिंपल है कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करते, इस पर कमांड कर लेंगे तो आपको सीधे एक ही बार में आएगा हाउ आर यू डूइंग इट। जी हाँ, आप इसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि मेरे द्वारा बताए गए सवाल का जो तरीका है इसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने का, आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे है कि अगर किसी ने कहा यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर, अब देखिए कि तुम वहां जा सकते हो, ये फुल स्टॉप, नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैंने जो पिछले एपिसोड में आपको बताया कि आप इसे कैसे चेंज करेंगे यस नो क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, कैन को बार कर लेना है, कैन यू गो देयर। अब ये सवाल हो गया कि क्या तुम वहां जा सकते हो। अब यहां पर है कि अगर मान लीजिए कि आपको यह पूछना है कि तुम वहां कब जा सकते हो, तो कब के लिए आप इंग्लिश लगाएंगे व्हेन, और सीधा सीधा यहां पर लिखेंगे व्हेन कैन यू गो देयर। अब देखिए, इन तीनों चीजों को समझने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ग्रामर के लिए जितने रूल आपको रटवाए गए हैं और इस रूल की जरूरत है। सर, आप सीधा समझिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेसेसिटी एंड व्हाट इज द सिचुएशन। सबसे पहले सर, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करिए, सोचिए, अपनी समझदारी का प्रयोग करिए कि आप इसे कैसे आसान से आसान तरीके में तोड़ सकते हैं। सर, दुनिया में तरीके बहुत लंबे हैं, अब हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है। तो आप, मैं सीधा कहता हूं कि फैक्ट्स को समझिए, डेटा को मिलाइए कैसे बनाएगा। और यहां पर जो मैं आपको बताता हूं, ये कहीं ना कहीं से मैंने भी देखा कि चलो कॉमन है, ऐसे किया जा सकता है। तो मतलब मैं यहां पर फिर से आपको समरी बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले तो दो पहलू पर ध्यान देना होता है कि दो तरीके का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। जी हाँ, होता है, और आपको ये दो ही पॉसिबिलिटी है, पहला है यस नो, दूसरा है WH। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि वैसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में आए। जी हाँ, और इसकी पहचान क्या है, तो हिंदी में इसकी शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश में इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब दूसरा आ गया कि मेरा इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है वो WH इंटरोगेटिव कैसा होता है, तो सबसे पहले इसका जवाब हाँ या ना को छोड़कर कुछ और होता है, मतलब इससे अलग एक्सप्लेनेशन उसमें आएगा। और इसकी शुरुआत हिंदी में सब्जेक्ट से होती है और इंग्लिश में WH वर्ड से होती है। फिर मैंने आपको यहां पर यह बताया कि हम किसी भी सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है बंधु, जैसा कि हमने नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को देखा था, उसी तरीके से यहां पर नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट जोड़ा था, यहां पर हम नेगेटिव की जगह हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ने की वजह हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में लाएंगे और सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐड करेंगे, मेरा सेंटेंस यस नो में चेंज हो जाएगा। अब अगर आप किसी सेंटेंस को WH में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मूल सेंटेंस को, बिना क्वेश्चन वाले सेंटेंस को, मतलब पहले जो दिया उसे राम खा क्या खा रहा है, तो इसमें से क्या हटा करके जो सेंटेंस आया राम खा रहा है, इसे सबसे पहले यस नो में चेंज करेंगे, और उस यस नो सेंटेंस के पहले जो मेरा इंटरोगेटिव वर्ड है उसे हम वहां पर ऐड कर देंगे। और अगर हम इसे वहां ऐड कर देते हैं तो फाइनली मेरा सेंटेंस WH में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो तरीका है सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने का, ये आपको बड़ा ही आसान लगा होगा और आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको इस पर कोई परेशानी हो, इसमें कोई सवाल आपके मन में है, तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, दूर दराज के लोगों को बताएं। मैंने पहले भी कहा है कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, इसके लिए हमेशा आभारी रहेगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियली तौर पर दबे कुचले हैं और वो पटना तक जिसकी पहुंच नहीं है या फिर ऐसे क्लासरूम में जाकर के वो पैसा देकर के पढ़ने के लायक नहीं, अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करेगा। इसलिए उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं इसे। आज के लिए बस इतना ही, फिर उपस्थित होता हूं अगले सेशन में कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से, दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।